नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह। इस वक्त हम वसई तहसीलदार कार्यालय के बाहर उपस्थित हैं और आप यहां पर देख पा रहे होंगे श्रमजीवी संगठन के लोग यहां पर उपस्थित हैं। एक आंदोलन यहां पर किया जा रहा है और यहां पर मां के नाम को प्राथमिकता देने के लिए ये आंदोलन किया जा रहा है। आपको बता दें, आज यहां पर तहसीलदार को वहाँ उनके माता के नाम के साथ, पिता के नाम के साथ में एक नेम प्लेट गिफ्ट किया जाना है, जिससे ये शुरुआत यहीं से हो। इसके अलावा महाराष्ट्र की सरकार से ये दरख्वास्त की जा रही है कि इस बात पर कहीं ना कहीं प्राथमिकता दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो माँ जो लगातार अपने बच्चे को जन्म देने से पहले जो यातनाएं, जो वेदनाएं झेलती हैं, उनके अस्तित्व को ही कहीं ना कहीं ये समाज भूलता जा रहा है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम अभी से इस बात की शुरुआत करें, क्योंकि महाराष्ट्र एक पुरोगामी राज्य है, इसलिए ये शुरुआत महाराष्ट्र से ही की जानी चाहिए। इस पूरे विषय पर श्रमजीवी संगठना से कार्याध्यक्ष स्नेहा दुबे ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। आज 3 जनवरी है, सावित्री क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले जयंती है, जिन्होंने पूरे ज़िंदगी भर महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं के समानता के अधिकार के लिए वो लड़ी। उन्होंने बहुत अन्याय अत्याचार सहा, उनके वजह से आज भारत की हर बेटी पढ़ पा रही है, शिक्षा ले रही है। तो आज उनके जयंती पे श्रमजीवी संगठन ने महिला सम्मान मुहिम अभियान का शुरुआत की है। इस मुहिम में हम लोग सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हर व्यक्ति के नाम में उसके माँ का नाम पिता के नाम के साथ में लगना चाहिए। आज अगर हम देखें SSC की मार्कशीट आती है या HSC की मार्कशीट आती है, तो उसमें माँ का नाम नीचे लिखा जाता है, स्कूल के कोई भी रिकॉर्ड में माँ का नाम नहीं होता है। तो बच्चों को भी अपने माँ के नाम बोलने की आदत नहीं रहती है, वो अपने माँ का भी नाम भूल जाते हैं और माँ का अस्तित्व ही उधर ख़त्म हो करते हैं, हम समाज ख़त्म कर देता है। तो माँ को समानता का अधिकार है, क्योंकि इस देश में, देश के संविधान ने हर नागरिक को समानता का अधिकार दिया है, लेकिन हर माँ इस समानता के अधिकार से वंचित है। तो ये इस आज के दिन हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि 3 जो कॉलम होते हैं, सिर्फ नाम, फादर्स नेम एंड सरनेम, उसके बदले नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम एंड सरनेम, ऐसे 4 कॉलम्स करें और माँ का नाम सख्ती से उधर लिखा जाए, ताकि माँ का अस्तित्व बना रहे। माँ के जाने के बाद भी माँ का नाम जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि माँ जितना त्याग अपने बच्चे के लिए करती है, उतना कोई नहीं करता है। माँ के बिना बच्चे का अस्तित्व ही नहीं होता है, लेकिन बच्चा पैदा होने के बाद माँ का अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसलिए ये जो हमारी लड़ाई है, वो माँ के अस्तित्व की लड़ाई है, माँ के नाम के अस्तित्व की लड़ाई है और माँ के सम्मान की लड़ाई है। और आज हम माननीय श्री एकनाथ जी गंगूबाई संभाजीराव शिंदे, इनसे आज ये मांग कर रहे हैं कि हमारे माँ को उसका सम्मान मिलना चाहिए, हर व्यक्ति के नाम में उसका नाम आना चाहिए। और इसकी शुरुआत, महाराष्ट्र ये पुरोगामी राज्य जाना जाता है, तो इसकी शुरुआत, ये क्रांतिकारी निर्णय की शुरुआत महाराष्ट्र शासन करे, ऐसी मांग आज हम लोग मुख्यमंत्री से कर रहे हैं। और 17 तालुका में श्रमजीवी संगठन, थाने जिला, पारगर जिला, नासिक और रायगढ़ में 17 तालुका में आज ये आंदोलन कर रही है, ये कार्यक्रम कर रही है। और तहसीलदार को आज हम उनके नाम की जो प्लेट रहती है, उसमें उनके माँ का नाम डाल के, उदाहरण तलासरी के तहसीलदार है श्रीधर गालीपेली, तो उनका श्रीधर लक्ष्मी नारायण गालीपेली, ऐसे नाम का हम नेम प्लेट बना के हर तहसीलदार को उनके नाम, माँ के नाम के साथ का नेम प्लेट आज हम लोग गिफ्ट दे रहे हैं, ताकि उनसे ही इस चीज़ की शुरुआत हो। और ये आज का अच्छा दिन है, उस अच्छे दिन पे माँ के, माँ को सम्मान मिलना चाहिए, ऐसी हम मांग कर रहे हैं। तो सुना आपने, ये थी श्रमजीवी संगठन की मांग। हालांकि ये मांग काफी सराहनीय है और ये पहल भी काफी सराहनीय है। इस विषय पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।